सीक्वल है तो सुपर हिट है। जी हाँ, सीक्वल फिल्मों के भरोसे आजकल बॉलीवुड चल रहा है। अगर किसी एक स्टार का करियर फ्लॉप जा रहा है और वो अपनी सीक्वल फिल्म में काम कर ले रहा है तो उसका करियर सवर जा रहा है। अब देखिए, राजकुमार राव बहुत दिनों से उनकी कोई फिल्म हिट नहीं हो रही थी, लेकिन उनकी फिल्म स्त्री आई और चमत्कार हो गया। राजकुमार राव ने ऐसा रिकॉर्ड तोड़ दिया है कि शाहरुख खान, सलमान खान, रणवीर कपूर सब पीछे हो गए हैं। तो ये सीक्वल का जादू है। सीक्वल फिल्म अगर पहली अच्छी होती है तो दर्शक उसका इंतज़ार करते हैं। आपको बता दें कि स्त्री का जो सीक्वल था, जब ये फिल्म आई थी पहली 31 अगस्त 2018 को, तो इस फिल्म ने सिर्फ 130 करोड़ तक का कलेक्शन किया था। लेकिन स्त्री 2 जब आई है तो इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 76 करोड़ और इंडिया में 66 करोड़ तक का बिजनेस किया। तो सोचिए सीक्वल का कैसा जादू है। लोग स्त्री का कितनी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और ये फिल्म बढ़िया बनी भी है। जितनी अच्छी स्त्री है उतनी अच्छी स्त्री 2 भी है। और यही वजह है कि इस फिल्म को क्रिटिक्स ने भर भर के स्टार्स दिए और वहीं जो लोग भी सिनेमा हॉल में गए इस फिल्म को देखे, उन्होंने माउथ पब्लिसिटी ऐसी की कि इस फिल्म को बहुत ही बम्पर ओपनिंग मिली। और आपको बताएं कि इसका कलेक्शन अगले कुछ दिनों तक बहुत ही धांसू होने वाला है, क्योंकि बीच में सैटरडे संडे है और इसके बाद रक्षाबंधन का त्यौहार है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी तादाद में दर्शक सिनेमा हॉल तक जाएंगे। चलिए कुछ और हम ऐसी सीक्वल फिल्मों की चर्चा करते हैं जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल गदर मचा दिया। सलमान खान की फिल्म आई थी एक था टाइगर 15 अगस्त 2012 को और इस फिल्म ने 198 करोड़ का बिजनेस किया। जासूस के रोल में सलमान इतने पसंद आए लोगों को कि इस फिल्म का सीक्वल आया 22 दिसंबर 2017 को और इस फिल्म ने करीब 340 करोड़ का बिजनेस किया। फिल्म का नाम था टाइगर जिंदा है। हालांकि जब इस फिल्म की तीसरी फ्रेंचाइजी आई, टाइगर का जादू थोड़ा फीका लगा। टाइगर 3 साल 2023 में आई नवंबर में दिवाली के मौके पर और इस फिल्म ने सिर्फ 285 करोड़ का बिजनेस किया। तो यहाँ थोड़ा सा सीक्वल गड़बड़ा गया, क्योंकि कहानी बहुत दमदार नहीं थी, लेकिन अगर इसकी कहानी अच्छी होती तो ये फिल्म भी 500 करोड़ क्लब में जा सकती थी। बाहुबली द बिगनिंग, जी हाँ, बाहुबली फिल्म आई थी साल 2015 में, 10 जुलाई को ये सिनेमाघरों में आई थी और इस फिल्म ने हिंदी में सिर्फ 118 करोड़ का बिजनेस किया। बिल्कुल भव्य फिल्म थी हिंदी के। जब दर्शकों ने इस फिल्म को देखा तो सोचने लगे कि भाई ये तेलुगु में कैसी कैसी फिल्में बन रही हैं, हमारा बॉलीवुड कितना पीछे चल गया। इसके बाद एक उसमें टीज छोड़ दिया गया कि बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा। अब ये जानने के लिए दर्शक बेताब हो गए और उसके बाद सीक्वल आने में लग गए करीब 2 साल। बाहुबली 2 जब आई तो इस फिल्म को देखने के लिए दर्शकों की भीड़ सिनेमाघरों में जुट गई और इस फिल्म ने 510 करोड़ तक का बिजनेस किया। अब देखिए, गदर एक प्रेम कथा आई थी, बहुत बड़ी हिट थी, 78 करोड़, अगर देखा जाए 22 साल पहले एक बहुत बड़ा अमाउंट था। लेकिन जब ये फिल्म 22 साल बाद सिनेमाघरों में आई, गदर 2 11 अगस्त 2023 को आई थी, तो 525 करोड़ का बिजनेस हुआ। गदर 1 के मुकाबले गदर 2 इतनी अच्छी फिल्म नहीं थी, लेकिन ये सिर्फ सीक्वल का क्रेज़ था कि दर्शक सिनेमा हॉल गए और इस फिल्म को देखे और लोगों ने ये माना कि गदर 1 के मुकाबले गदर 2 इतनी बड़ी फिल्म और इतनी बढ़िया फिल्म नहीं थी। हाउसफुल फ्रेंचाइजी की बात करते हैं। ये अक्षय कुमार की एक कॉमेडी सीरीज़ की फिल्में हैं और इन फिल्मों के जरिए भी अक्षय कुमार ने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छी कमाई की है। हाउसफुल फिल्म आई थी 30 अप्रैल 2010 को और इस फिल्म ने 75 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस किया। हाउसफुल 2 आई थी 6 अप्रैल 2012 को, इस फिल्म ने 106 करोड़ का बिजनेस किया। हाउसफुल 3 आई थी 3 जून 2016 को, इस फिल्म ने 109 करोड़ का बिजनेस किया। हाउसफुल 4 आई थी 25 अक्टूबर 2019 को और इस फिल्म ने 194 करोड़ का बिजनेस किया। तो ये भी एक सीक्वल फिल्म का जादू है कि जितनी बार भी फिल्म आई कलेक्शन बढ़ता गया। KGF चैप्टर 1 31 दिसंबर 2018 को आई थी, हिंदी में डब करके आई थी, वैसे ये फिल्म कन्नड़ में है, 44 करोड़ का बिजनेस किया। लोगों को लगा अरे क्या धांसू फिल्म बनाई है। इसके बाद 14 अप्रैल 2022 को इसका सीक्वल आया KGF चैप्टर 2 और इस फिल्म ने सिर्फ हिंदी में 434 करोड़ का कलेक्शन किया। तो यहाँ भी सीक्वल का खेला आप देख सकते हैं। सलमान खान बॉक्स ऑफिस पर दबंग बनकर ही छा पाए। जी हाँ, उससे पहले देखा जाए तो बॉलीवुड में शाहरुख खान का राज था, लेकिन जब उनकी फिल्म दबंग आई तो वो बॉक्स ऑफिस के दबंग बन गए। दबंग आई थी 10 सितंबर 2010 को, ईद के मौके पर ये फिल्म आई थी और इस फिल्म ने 138 करोड़ का बिजनेस किया। इसके बाद आई दबंग 2। दबंग 2 आई दिसंबर 2012 को और इस फिल्म ने 155 करोड़ का बिजनेस किया। दबंग 3 आई 20 दिसंबर 2019 को, हालांकि दबंग 3 बहुत अच्छी नहीं थी, दबंग 1 और दबंग 2 के मुकाबले फिल्म ढीली थी और यही वजह है कि इसका कलेक्शन बहुत अच्छा नहीं रहा। धूम सीरीज की फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर खूब जलवा दिखाती रही हैं। धूम 1 आई थी
27 अगस्त 2004 को और इस फिल्म ने 31 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार किया था। इसके बाद धूम 2 आई साल 2006 में और इस फिल्म ने 81 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस किया। धूम 3 आई 20 दिसंबर 2013 को और इस फिल्म ने 284 करोड़ का कलेक्शन किया। क्रिश सीरीज की फिल्मों का भी ज़बरदस्त क्रेज है और लोग अब क्रिश 4 का इंतज़ार कर रहे हैं। 8 अगस्त 2023 को क्रिश 1 आई थी, इस फिल्म ने 47 करोड़ का कलेक्शन किया था। क्रिश 2 आई थी 23 जून 2006 को और इस फिल्म ने 72 करोड़ तक का बिजनेस किया। क्रिश 3 आई 1 नवंबर 2013 को और इस फिल्म ने 244 करोड़ का बिजनेस किया। और अब इंतज़ार है क्रिश 4 का, लेकिन बहुत टाइम लग रहा है क्योंकि क्रिश के जो डायरेक्टर हैं राकेश रोशन, उनकी तबीयत बहुत अच्छी नहीं चल रही, लेकिन फिर भी इस फिल्म को की कहानी पर, इसके प्री प्रोडक्शन पर काम चल रहा है और ऋतिक रोशन के तमाम फैंस इस फिल्म का सीक्वल देखने के लिए बेताब हैं। दृश्यम सीरीज की अब बात करते हैं। अजय देवगन की दृश्यम सीरीज की दोनों फिल्मों को दर्शकों ने बहुत पसंद किया। दृश्यम 1 आई थी 31 जुलाई 2015 को और 67 करोड़ का इस फिल्म ने बिजनेस किया था। दृश्यम 2 आई 18 नवंबर 2022 को और इस फिल्म ने 240 करोड़ का आंकड़ा छू लिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी सीक्वल का जादू कि किस तरह से दृश्यम 1 को फॉलो करते हुए जब ये फिल्म आई तो लोग सिनेमा घरों में गए और अजय देवगन को एक सुपरहिट फिल्म मिल गई। इसको ब्लॉकबस्टर फिल्म का टैग मिला है क्योंकि फिल्म की जो लागत थी उससे कहीं ज़्यादा इसकी कमाई हुई। इस साल दर्शकों को इंतज़ार है सिंघम 3 का। जी हाँ, सिंघम बनकर भी अजय देवगन बॉक्स ऑफिस पर छाए और कहा जा रहा है दिवाली के मौके पर सिंघम बनकर वो फिर से सिनेमा घरों में आएंगे। तो सिंघम 1 आई थी पहली बार 22 जुलाई 2011 को और फिल्म ने 100 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस किया था। अजय देवगन की ये पहली फिल्म थी जिसने 100 करोड़ क्लब में एंट्री मारी थी। इसके बाद आई सिंघम रिटर्न्स 15 अगस्त 2014 को और इस फिल्म ने 140 करोड़ का बिजनेस किया। और अब 10 साल बाद सिंघम 3 आ रही है, सिंघम अगेन कह सकते हैं, और उसमें ढेर सारे सितारे हैं और इस फिल्म को लेकर काफ़ी उम्मीदें हैं। माना जा रहा है सिंघम 3 भी 500 करोड़ तक की फिल्म हो सकती है क्योंकि वो सीक्वल फिल्म है और उसमें ढेर सारे सितारे हैं और सीक्वल फिल्मों का क्या क्रेज़ है ये बॉक्स ऑफिस पर साफ दिख रहा है। भूल भुलैया आई थी 12 अक्टूबर 2007 को और इस फिल्म ने 39 करोड़ का बिजनेस किया था। वहीं जब भूल भुलैया 2 आई 20 मई 2022 को तो इस फिल्म ने 185 करोड़ का आंकड़ा छू लिया। हालांकि फिल्म के हीरो बदल गए थे, भूल भुलैया 1 में अक्षय कुमार थे, भूल भुलैया 2 में कार्तिक आर्यन थे, लेकिन फिल्म का हीरो बदलने से भी जो सब्जेक्ट था उससे दर्शक इतनी बुरी तरह से जुड़े हुए थे कि हीरो बदलने के बाद भी फिल्म सुपरहिट हुई। वो कोरोना टाइम था, 2022 में कोरोना का टाइम था, लेकिन इसके बावजूद ये फिल्म अच्छी चली। अब एक और फिल्म की चर्चा बनती है, तनु वेड्स मनु। जी हाँ, इसका सीक्वल आने वाला है, तनु वेड्स मनु 3। कंगना रनौत ने खुद इस पर बात की थी। फिल्म के मेकर आनंद एल राय भी कह चुके हैं कि हम तनु वेड्स मनु 3 बनाने जा रहे हैं और फिल्म में कंगना भी होंगी और बाकी जो कलाकार हैं वो भी होंगे। आपको ये बताया, तनु वेड्स मनु पहली बार आई थी 2011 को और इस फिल्म ने 36 करोड़ का बिजनेस किया था। कंगना का बिंदास अवतार इस फिल्म में लोगों को बहुत पसंद आया था। इसके बाद तनु वेड्स मनु रिटर्न आई थी 22 मई 2015 को और इस फिल्म ने 150 करोड़ तक का कारोबार किया था। इस फिल्म में कंगना डबल रोल में थी और उन्होंने दोनों ही किरदार इतनी अच्छी तरीके से निभाया कि उनको नेशनल अवार्ड मिला था।